गाजर का हलवा सभी का फेवरेट होता है और इसे बनाना उतना ही मुश्किल। तो आज मैं लेके आई हूँ गाजर के हलवे की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसमें ना ही हम गाजर को कट करेंगे ना ही हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो इस आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर ली है। गाजर को हम दोनों साइड से कट करके उसे छील के तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमने सारी गाजर को छील के तैयार कर लिया है। आज हम हलवे को प्रेशर कुकर में बनाएंगे, इसीलिए उसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। अब हम इसमें सारी गाजर को डाल देंगे। यदि गाजर बहुत बड़ी है, वो प्रेशर कुकर में नहीं आ रही है, तो हम उसके 2 टुकड़े कर लेंगे। अब हम इसे घी के साथ में 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जिससे इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और गाजर में से हल्का सा पानी भी रिलीज होने लगेगा। गाजर को भूनते ही गाजर का कलर चेंज होने लगा है, आप देख ही सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे दूध। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध को मैंने पहले बहुत अच्छे से उबाल लिया है, आपको कच्चा दूध नहीं डालना है, दूध को उबाल के ही डालेंगे। यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क लिया था। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 2 से 3 सीटी लगा लेंगे, जिससे कि गाजर हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी। 3 सीटी आ गई हैं और कुकर का प्रेशर भी निकल गया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। गाजर पहले से सॉफ्ट हो गई है, ये बहुत ही आसानी से चम्मच से टूट रही है, तो हम इसे हल्का सा मैश कर देंगे। अब हम गाजर को दूध में पकने देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, साथ में ही हम गाजर को भी मैश करते जाएंगे। हम गाजर को जब तक पकाएंगे जब तक दूध पूरी तरह से नहीं सूख जाता। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मलाई, यहाँ पर मेरे पास दूध की मलाई थी, मैं उसे ऐड कर रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। गाजर दूध में बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी, यहाँ पर मैं 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। यदि आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 1/2 कटोरी चीनी और डाल दीजिए। चीनी जैसे ही मेल्ट होगी हलवा फिर से पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम हलवे को कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। 2-3 मिनट के बाद हलवे में से पानी पूरी तरह से सूख गया है और ये बनके तैयार हो गया है। आपको यदि और ट्राई करना है तो आप इसे और पका लीजिए, वैसे ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है हलवा। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, उसके लिए 1 तड़का पैन लेंगे, उसमें घी गरम कर लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे काजू बादाम, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप उन्हें डाल दीजिए। इनको हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसे हलवे में डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। आप ड्राई फ्रूट्स वैसे भी ऐड कर सकते हैं बिना भुने, लेकिन भुन के डालने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये बहुत ही टेस्टी सा हलवा बनके तैयार हो गया है। है ना, इसे बनाना बहुत ही आसान, ना ही हमने गाजर को कद्दूकस किया ना ही हमने उसे कट किया। और इस आसान सी रेसिपी को आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।